फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं छोला भटूरा और इसकी इजी रेसिपी आपको मिलेगी सिर्फ 5 स्टेप्स में। 5 स्टेप्स फॉलो करते हुए आप आसानी से अब छोला भटूरा घर पे ही बना सकते हैं। तो चलिए इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। सबसे पहले आपको चाहिए काबुली चना, और ये आप ऑर्गेनिक लें तो ज़्यादा अच्छा है। आपको चाहिए मैदा, आपको चाहिए टी बैग्स, वो आप किसी भी कंपनी के ले सकते हैं, और आपको चाहिए सूजी। इस सब के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपको चाहिए दही, और अगर आप दही बाज़ार से नहीं लेना चाहते हैं तो आप योगर्ट मेकर में घर पे भी दही बना सकते हैं। और आपको चाहिए कच्ची घनी ऑयल फ्राइंग के लिए, और छोले बनाने के लिए आपको चाहिए प्याज और टमाटर, ये आप अपने लोकल वेंडर्स से ले सकते हैं। आपको चाहिए हल्दी पाउडर, और आपको चाहिए धनिया पाउडर, आपको चाहिए लाल मिर्ची पाउडर। इसके अलावा आपको चाहिए सॉल्ट टू टेस्ट, जो आप अपनी मर्जी से ये सारे मसाले ऐड कर सकते हैं। आपको गरम मसाला चाहिए, और कुछ लोग अगर छोले मसाला डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। और खटाई जो है वो ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें या ना डालें। आपको बेकिंग सोडा भी चाहिए छोलों में डालने के लिए और भटूरे में भी डालने के लिए। फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं स्टेप 1 जो है छोला उबालना। हमें इसको छोले को बॉईल करना है। देखिए, छोले को प्रेशर कुकर में आप ले लीजिए, और ये ओवरनाइट सोक्ड छोले हैं, और इसमें मैंने टी बैग्स डाले हैं कलर के लिए, ताकि इसमें अच्छा सा ब्लैकिश कलर आ जाए। तो इसके लिए आप जैसा भी आपको कलर चाहिए उतने डाल सकते हैं। हमने यहाँ पे जो छोले लिए हैं उसमें 2 टी बैग्स डाले हैं। आप भी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हैं, जितना फास्ट आपको कलर चाहिए उतना। और टी बैग्स काफ़ी सेफ रहते हैं कलर ऐड के लिए। और आप इसमें नमक डालिए, इसमें सोडा डालिए, और इसमें नमक और सोडा डालने के बाद आप इसका प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा दीजिए, ताकि इसमें सीटी आ जाए और ये जो हैं वो अच्छे से आपके जो छोले हैं ये बॉईल हो जाएं। तो ये है फर्स्ट स्टेप। फ्रेंड्स, अब शुरू करते हैं स्टेप 2, यानी हमें अपने भटूरे का आटा बनाना है। तो उसके लिए सबसे पहले आप मैदा ले लीजिए। आपको जितना भी क्वांटिटी चाहिए, जितने भी भटूरे बनाने हैं उसके हिसाब से मैदा ले लीजिए, और इसमें ऐड करिए आप थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालिए। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा दही, और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा सूजी। तो अगर आपने 1 कप मैदा लिया है तो उसमें आप 2 टेबलस्पून सूजी ले लीजिए दोस्तों। और इसके बाद जैसे आटा गूंदते हैं वैसे ही इसको पानी से गूंद लीजिए, ये सारी चीज़ें मिक्स करके अच्छे से। और इसके बाद आप इसको जैसे बिल्कुल आटा गूंदा जाता है बिल्कुल वैसे ही गूंदेंगे, लेकिन इसको हम थोड़ा सा टाइट रखेंगे, ताकि बहुत ही ज़्यादा मतलब आउट ऑफ शेप ना हो जाए आटा। और इसको गूंदने के बाद दोस्तों, तो कम पानी डाल के ही इसे गूंदिए, जितना मिनिमम क्वांटिटी चाहिए हो वो ऐड करके ही गूंदिए। और इसके बाद आटे को आप थोड़ी देर ढक के रख दीजिए। देखिए, ये ऐसा हो जाएगा गूंदने के बाद दोस्तों। तो अब हम शुरू करते हैं स्टेप 3, यानी हमें मसाला बनाना है, मसाले का पेस्ट। तो इसके लिए पहले आप थोड़े गार्लिक क्लव्स ले लीजिए, टमाटर ले लीजिए, और जो प्याज ली है आपने वो भी काट के एक मिक्सी जार में डाल लीजिए। और इसको बस हमें सिंपली पीसना है इस चीज़ को अपनी मिक्सी में। तो टमाटर, प्याज, एंड अगर आप चाहें तो अदरक लहसुन, आप इसको अच्छे से मिक्सी में पीस लीजिए। और आपको मैं दिखाती हूँ, देखिए पीसने के बाद ये ऐसा हो जाएगा। इसको आप पीस के अच्छे से रख लें दोस्तों। आप स्टेप 4 शुरू करते हैं। हमें मसाला भूनना है और इसमें चने डालने हैं। आप अपनी कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल लीजिए, और जो टमाटर और अनियन का हमने पेस्ट बनाया है वो इसमें डाल दीजिए। और इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालिए, धनिया पाउडर डालिए,
और अगर आप चाहें तो इसमें गरम मसाला डाल सकते हैं, छोले मसाला भी डाल सकते हैं, चिली पाउडर डालिए अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग, इसमें नमक डालिए और इस सब को अच्छे से पकने दीजिए। देखिए कितना अच्छे से इसमें बॉईल आ रहा है, तो ये मसाला जो है अच्छे से पकेगा और देखिए जैसे पानी उड़ जाएगा तो ये भुन जाएगा, तो इसकी क्वांटिटी थोड़ी कम हो जाती है। ये अच्छे से आपको इस तरीके से इसको पकाना है और मसाले अपने अकॉर्डिंग ही डालने हैं, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। सबके घर में अलग टाइप के मसाले यूज़ होते हैं, मसालों का सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा है। और देखिए अब हमारे चने भी बॉईल हो गए हैं, ये जो चने हैं अब इस हम भुने हुए मसाले में इन चनों को ऐड कर देंगे। और ये वो स्टेप है कि अब हमें अच्छे से अपना छोला मसाला पकाना है। और ये देखिए थोड़ा सा छोलों को यहाँ पे मैश कर दीजिए, थोड़ा सा इसको क्रश कर दीजिए ताकि हमारा जो वो कंसिस्टेंसी है उसकी वो बहुत अच्छी सी आ जाए। तो थोड़े छोले जो हैं हम बिल्कुल सॉलिड ऐसे ही रखेंगे गोल गोल, और थोड़े छोले इसमें से जो है वो हम क्रश कर देंगे इनको पकाते हुए। तो ये मसाला भी साथ साथ भुनता रहेगा और इसी में छोले भी बनते रहेंगे। तो दोस्तों इसको इसी तरीके से पकाना है और आप गैस पे सिमर करके छोड़ सकते हैं थोड़ी देर के लिए, ताकि ये आपका मसाला भी अच्छे से पक जाए, आपके छोले भी अच्छे से पक जाएं। और जब ये प्रिपेयर हो जाए तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है, इसमें आप थोड़ा गार्निशिंग के लिए ग्रीन कोरिएंडर डाल सकते हैं। देखिए ये कितना अच्छा सा बन के रेडी हो गया है। अब हम स्टार्ट करते हैं स्टेप 5, यानी अब हमें भटूरे तलने हैं। तो सबसे पहले आप अपने आटे को थोड़ा सा उसका पोर्शन ले लीजिए और उसको पटे पर या चकले पर अच्छे से उसको बेल लीजिए। आप चाहें तो सूखा आटा लगा सकते हैं बेलने के टाइम, या आप चाहें तो ऑयल लगाकर भी इसको बेल सकते हैं। और अगर आप रोटी मेकर में बनाना चाहें या पूरी मेकर में बनाना चाहें तो उसमें भी बना सकते हैं। इसके बाद आप ऑयल में इसको डालिए और इसको फ्राई करिए, और हल्का हल्के हाथ से दबाते हुए फ्राई करिए, तो देखिए कितना अच्छा आपका भटूरा फूल जाएगा और बिल्कुल देखिए मार्केट की तरह ये लग रहा है गोल गोल सा। इसको अच्छे से पकने दीजिए और इसको देन आप पलट लीजिए ताकि ये दूसरे साइड से भी अच्छे से पक जाए, और फिर हम इसको इन्जॉय करते हैं दोस्तों। और आप भी इस इजी सी रेसिपी को ट्राई करिए और एक अच्छी सी डिश बनाइए। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं छोले भटूरे, और अब हम इसको खाने जा रहे हैं। आप भी ट्राई करें छोले भटूरे।